तो ये है सरमथुरा का दक्षिणी भाग और यहाँ पर एक बड़ी ही भव्य दरगाह है और प्राचीन दरगाह है। साथ ही साथ यहाँ पे ये एक कुंड है और ये जो कुंड है ये भी काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी रहस्यमय कुंड भी है, क्योंकि इसका ये जो पानी है, जैसा कि आपको पता है कि जो सरमथुरा है पूरा पथरीला इलाका है, उसके बावजूद भी ये पानी आज तक की तारीख में कभी सूखा नहीं है। ये इतना का इतना ही हमेशा भरा रहता है, बरसात में ये और ओवर हो जाता है। इस तालाब के किनारे पे ही है सरमथुरा का किला, तो सरमथुरा के किले में भी चलेंगे। उससे पहले ये जो दरगाह है इसके दर्शन करते हैं। मेरे दाईं तरफ आप देख सकते हैं एक काफ़ी भव्य तालाब है और उसके बीचों बीच में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एक मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर से जो मूर्ति है वो चोरी हो गई है, उसके बाद ये खंडहर अवस्था में पड़ा हुआ है। साथ ही साथ मेरे बाईं तरफ आप देख रहे हैं इस तालाब के किनारे पर एक दरगाह है, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, ये स्थान काफ़ी भव्य स्थान है सरमथुरा का। तो अब आपको दिखाते हैं ये दरगाह। तो जो दरगाह है वो है बाबा अल्लाह बख्श की दरगाह, और इस दरगाह की खास बात ये है कि इसका जो निर्माण है वो अशोक कुमार और प्रवीण कुमार गोयल जी ने करवाया है, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता का, कौमी एकता का बड़ा ही भव्य ये स्थान है। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं इसका निर्माण हिंदू भाइयों ने करवाया है और अंदर मुस्लिम भाइयों की दरगाह है बाबा अल्लाह बख्श की। काफ़ी प्राचीन ये दरगाह है और काफ़ी भव्य है, देखने में बेहद सुंदर इसकी बनावट है और काफ़ी सुकून है, काफ़ी शांति है यहाँ पर बाबा के दरबार में। राम राम दादा बंद।